जो माँ रैली है बालोतरा की धरती से, जो जो ओंकार हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व के अंदर 50,000 से अधिक लोग भरने वाले हैं, वो एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है और बाड़मेर जिले का ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा। आप सबको विदित है कि बालोतरा की धरती पर आदरणीय उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व के अंदर पिछले 93 दिनों से बजरी माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। उम्मेदाराम जी बेनीवाल, थान सिंह जी राजपुरोहित, भाई शंकर मायला और आरएलपी की पूरी टीम, पूरे जिले के आरएलपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सब कुछ अपना लगाया। बालोतरा की सड़कों पर आज -5 डिग्री के तापमान के अंदर आरएलपी के योद्धा डटे हुए हैं। वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग इस बात को थोड़ा गंभीरता के साथ सोचना होगा। मैं बाड़मेर के आम जनता से अपील करना चाहूँगा, ये जो बजरी ठेकेदार के खिलाफ लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बाड़मेर के आम जन की लड़ाई है, बाड़मेर और बालोतरा के मान सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। एक ठेकेदार गुंडागर्दी के ऊपर उतर गया और यहाँ बाड़मेर जिले के कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेताओं ने ठेकेदार से मिलीभगत करके, उनसे ठेकेदार से कमीशन लेकर के, और वो मौन हो गए, कोई नहीं बोल रहा है। 5,000 का ट्रक जो बजरी का आता था वो आज 40,000 रुपए हो गया। ये स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली के अंदर कहा था कि 5,000 का ट्रक 25,000 में आ रहा है, वीडियो आपने देखा होगा, बड़े ही शर्म की बात है। इसलिए जनता को खुद को सड़कों पर आना पड़ेगा। नागौर से चल करके आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल कल बाड़मेर के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए बालोतरा के अंदर आ रहे हैं। कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, पूरे जिले से हजारों हजार की संख्या के अंदर कल 11-12 बजे तक आपको बालोतरा भगत सिंह सभा स्थल पहुंचना है और राजस्थान की संवेदनहीन गूंगी बैरी सरकार को ये दिखाना है कि बाड़मेर की जनता कमजोर नहीं है, स्वाभिमानी जनता है, झुकने वाली नहीं है। सरकार चाहे जितने हथकंडे अपना ले, लेकिन हम हमारी मांगे मनवा के रहेंगे, बजरी की रेट कम करा कर उठेंगे। कल बालोतरा की सड़कों पर आर पार की लड़ाई होगी, इसलिए लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। सभी लोग आज रात भर सभी से संपर्क करें और सुबह बड़ी संख्या के अंदर बालोतरा पहुंचे, पूरे बालोतरा को जाम करना है। भगत सिंह सभा स्थल पर बड़ी सभा होगी और यहाँ पर हमारी बात नहीं बनती है तो इसके बाद में यहाँ से चल करके 50,000 से अधिक लोग आदरणीय हनुमान जी के नेतृत्व के अंदर रिफाइनरी का घेराव करेंगे और सभी गेट कल शाम को 6 बजे रिफाइनरी के बंद करेंगे और पूरी रिफाइनरी को ठप कर देंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी उठेंगे नहीं। रिफाइनरी से भी बात नहीं बनती है तो जोधपुर की ओर कूच करेंगे और जोधपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है उसको घेरेंगे, लेकिन लड़ाई आर पार की होगी। इसलिए मजबूती से आप लोगों को आना है, हजारों की संख्या के अंदर आना है। एक विशेष ध्यान रखें, किसी से उलझे नहीं, पुलिस कर्मियों के निर्देशों की पूरी पालना करें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, लोग तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आपको आना है।